हेलो फ्रेंड्स, आई एम बलराम और आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर हरि सिंह गौड़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में। और आज हम देखने वाले हैं बीएससी मैथ एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस। एंट्रेंस एग्ज़ाम में कौन कौन से टॉपिक से आंसर पूछे जाते हैं, कौन कौन से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हम देखने वाले हैं आज। और आज हम देखने वाले हैं यूजी मैथ्स अंडर ग्रेजुएट मैथ बीएससी मैथ का एंट्रेंस एग्ज़ाम सिलेबस देखने वाले हैं। आप जैसे कि देख पा रहे होंगे यूजी मैथ बीएससी सिलेबस ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन बीएससी मैथमेटिक्स ग्रुप। तो आज हम सारे टॉपिक्स देखने वाले हैं, बट अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि यूनिवर्सिटी से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। अगर आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म भरा है तो आप बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट जब भी आएगी तो हम वीडियो के द्वारा आप लोगों को बताएंगे। कोई भी न्यू अपडेट्स यूनिवर्सिटी से आता है तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते हैं आगे कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। एलजेब्रा से यूनिट फर्स्ट सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन, तो ये सारे चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं आते हैं। एलजेब्रा सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेते जाएं और बाद में पढ़ सकते हैं या दोबारा वीडियो देख सकते हैं। और जो टॉपिक्स इसमें पीडीएफ में दिए गए हैं, अगर आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस देखना चाहते हैं तो ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये पीडीएफ डॉक्टर हरि सिंह और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से डाउनलोड किया गया है। तो जो भी इसमें चैप्टर दिए हुए हैं, जो भी टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो आज हम देखने वाले हैं और आप इनकी तैयारी कर लें अगर आपने फॉर्म बीएससी मैथ्स ग्रुप का भरा हुआ है तो। यूनिट फर्स्ट सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन, सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, यूनियन इंटरेक्शंस एंड कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स एंड देयर एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज, रिलेशंस इक्विवेलेंस रिलेशन मैपिंग 1:1 एंड 1:2 मैपिंग्स, कंपोजिशन ऑफ मैपिंग। यूनिट सेकेंड में है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस V and their representation in a plane Ergen diagram, algebra of complex number, modulus and arguments। तो ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे कि आप देख पा रहे हैं। यूनिट थर्ड मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, और जो आपने अभी क्लास 12th के वो एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपने पढ़ा होगा ये सारे टॉपिक्स, आपने 12th में कवर किए होंगे, तो आप इनका अच्छे से रिवीजन कर लें तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम आसानी से क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे 12th के ही टॉपिक्स हैं, 12th लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में, जो कि आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। यूनिट थर्ड मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 and 3, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, इवोल्यूशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइनिंग इनवर्स एंड मैट्रिक्स। यूनिट फोर्थ क्वाड्रिक इक्वेशन, क्वाड्रिक इक्वेशन इन रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम एंड देयर सॉल्यूशन, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, नेचर ऑफ रूट्स, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन विथ गिव रूट्स, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स। यूनिट फिफ्थ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या दोबारा वीडियो देख सकते हैं। यूनिट फोर्थ क्वाड्रिक इक्वेशन, क्वाड्रिक इक्वेशन इन अ रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम एंड देयर सॉल्यूशन, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, नेचर ऑफ रूट्स, फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रिक इक्वेशन विद गिवन रूट्स, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स। अगर हम धीरे धीरे पढ़ेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आप जल्दी जल्दी से देखते जाएँ या स्क्रीनशॉट लेते जाएँ या बाद में वीडियो देख सकते हैं आप। यूनिट फिफ्थ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, परम्यूटेशन एज अरेंजमेंट, मीनिंग ऑफ PNR एंड सिंपल एप्लीकेशन। यूनिट सिक्स्थ मैथमेटिकल इंडक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन। यूनिट सेवन बायनोमियल थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, बायनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, जनरल टर्म एंड मिडिल टर्म, बायनोमियल थ्योरम ऑफ एनी
यानी इंडेक्स प्रॉपर्टीज और बाइनोमियल कोफिशियंट सिंपल एप्लीकेशन फॉर अप्रोक्सीमेटेशंस यूनिट 8 सीक्वेंस एंड सीरीज अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन स्पेशल केसेस ऑफ SN, SN2, SN3 अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज कैलकुलस यूनिट 9 डिफरेंशियल कैलकुलस पॉलीनोमियल रेशनल ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस इनवर्स फंक्शंस ग्राफ्स ग्राफ्स ऑफ सिंपल फंक्शन लिमिट्स कंटिन्यूटी डिफरेंशिएशन ऑफ द सम डिफरेंस प्रोडक्ट्स एंड क्वांटिटी ऑफ टू फंक्शन डिफरेंशिएशन ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल कंपोजिशन एंड इम्प्लिक्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ ऑर्डर अप टू थ्री एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मोनोटोनिक फंक्शन मैक्सिमा एंड मिनिमा फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे इन्फॉर्मेशन ये आपको अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर दीजिए यार, हम लोग गर्मियों में आपके लिए वीडियो बना रहे हैं तो एक लाइक तो बनता है। और यूनिट 10th इंटीग्रल कैलकुलस इंटीग्रल एज एन एंटी डेरिवेटिव फंडामेंटल इंटीग्रल्स इन्वॉल्विंग एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बाय पार्ट्स एंड बाय पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एवोल्यूशन ऑफ इंडेफिनेट इंटीग्रल्स डिटरमाइनिंग एरिया ऑफ द रीजन्स बाउंडेड बाय सिंपल कर्व्स यूनिट 11 डिफरेंशियल इक्वेशंस यूनिट 11 डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन देयर ऑर्डर एंड डिग्री आप पढ़ सकते हैं। टू एंड थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री यूनिट 12 टू डायमेंशनल ज्योमेट्री रिकॉल ऑफ आप आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पढ़ सकते हैं। यूनिट 13 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट स्पेस डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स सेक्शन फॉर्मूला डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोजेंस एंगल्स बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो आप ये आसानी से पढ़ लें कौन कौन से टॉपिक हैं तो आप ये अच्छे से रिवाइज कर लें। वेक्टर्स यूनिट 14 वेक्टर एलजेब्रा वेक्टर्स एंड स्केलर्स एडिशन ऑफ वेक्टर्स कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स इन टू डायमेंशंस एंड थ्री डायमेंशनल स्पेस स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर प्लान ज्योमेट्री स्टेटिस्टिक यूनिट 15 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन कैलकुलेशन ऑफ मीन मीडियन एंड मोड ऑफ ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डाटा कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन variance and mean deviation for grouped and ungrouped data unit 16 यूनिट 16 प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड देयर एप्लीकेशन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज ट्रिग्नोमेट्री। आपने क्लास 12th में पढ़े होंगे प्रोबेबिलिटी ट्रिग्नोमेट्री वेक्टर्स, तो ये सारे क्लास 12th लेवल का ही इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो कि आपने अभी क्लास 12th में सारे ये टॉपिक्स कवर किए होंगे। यूनिट 17th ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटीज एंड इक्वेशन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड इट देयर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स हाइट्स एंड डिस्टेंस। तो आज हमने फ्रेंड्स देखा बीएससी मैथ ग्रुप का सिलेबस,
तो आप इसको रिवाइज कर लें, जो भी टॉपिक्स इसमें दिए गए हैं तो इसी से सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर आप किसी और टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करिए, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। और यार इतनी गर्मी में हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। आप लोग जो भी कमेंट करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करो और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दिया करो। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि यूनिवर्सिटी से जुड़ी अपडेट्स मिलती रहें। जो कि आप अगर आपने यूनिवर्सिटी से एंट्रेंस फॉर्म भरा है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी अपडेट आता है यूनिवर्सिटी से तो आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले न्यू टॉपिक के साथ।